हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GS 394 में। और दोस्तों में जी हाँ दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण से लिया गया जो संपादकीय है, जिसमें एक खास बात है महिला सुरक्षा और समाज। और दोस्तों यदि आपने दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय है, जो विषय है जैसे 21 दिनों तक के लिए हमारे देश के यशस्वी और गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी के द्वारा जो कल के डेट में कल शाम 8 बजे जिस तरह उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया और उसमें बताया कि किस प्रिकॉशन से कैसे सोशल डिस्टेंसिंग से हम कोरोना जैसी महामारी को अपने देश से गायब कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, तो ऐसी तमाम तरह की जानकारियां वीडियो में दी गई हैं। सुबह मॉर्निंग हमने उसे अपलोड किया है, जाकर आप देख सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रियाएँ हों तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात करने वाले महिला सुरक्षा और समाज। महिला सुरक्षा और समाज इसलिए करेंगे क्योंकि जो महिलाओं की जो सुरक्षा की बात होती है, ये जो समाज है, कुछ समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उपेक्षा करते हैं महिलाओं की। अगर महिला इस तरह के कपड़े पहनती है तो यही समाज है उसका उपेक्षा करेगा कि नहीं, इस तरह महिलाओं को कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इस तरह मोबाइल नहीं कैरी करना चाहिए, इस तरह की शिक्षाएं नहीं देनी चाहिए, ऐसी तमाम तरह की बुराइयां हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, हम एक घटना बता रहे हैं आपको। 1829 में याद होगा आपको किस प्रकार से अंग्रेज़ों के द्वारा 1829 में, और ये जो सहयोग सबसे बड़ा जो सहयोग था राजा राम मोहन राय के द्वारा अंग्रेजों ने कानून बनाया था सती प्रथा। ये हमारे समाज का ही भाग था कि किस प्रकार से अगर पुरुष अगर मर जाता है तो जो स्त्री जिससे उसकी शादी हुई रहती है उसको भी उसी की चिता पे लेटा दिया जाए और उसको भी मार दिया जाए। तो इस तरह की जो कुप्रथाएं हमारे समाज में थी, हमारे देश का, हमारे समाज का एक तबका था जो इस कृत्य को समर्थन देता था, इसीलिए सदियों से ये कृत्य चला आ रहा था। औरंगजेब, अकबर, तमाम तरह के ऐसे, बता दें आपको मुगलों में कई शासक ऐसे थे जिन्हें जब ये पता चला कि हिंदुओं में इस तरह की परंपराएं चलती हैं, किस तरह से उनकी जो औरतें हैं पति के सैया पे या फिर अलग से एक महोत्सव टाइप निकाल के खुद को आग लगा लेती हैं, जो इस तरह का कृत्य था वो बहुत ही भयानक था। और लोगों ने कई बार कोशिश किया, ऐसा नहीं कि मुगलों ने इस पर अमल नहीं किया, इस चीज़ को बंद नहीं करना चाहते थे। अकबर के शासनकाल तक थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ था, पर दोस्तों उसके बाद और तेज़ी आ गई, ठीक है, अकबर के जाने के बाद। उसके बाद 1829 में राजा राम मोहन के सहयोग से एक कानून बनाया गया और जितने भी विरोधी थे, जो लोग समर्थन करते थे इस कृत्य का, उन लोगों को सख्ती के साथ बोला गया कि इस तरह का अगर कृत्य को प्रोत्साहित करते हैं तो आपको फांसी दे दी जाएगी। अब सोचिए तो समाज है, ठीक है, समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर आज महिलाएँ लाचार हैं, बेबस हैं, महिलाओं की उपेक्षा हो रही, तो समाज के लोग ही हैं क्यों ऐसी नज़रों से नहीं देखते जैसे आप अपनी माँ बहन को देखते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि हमें सहानुभूति नहीं चाहिए महिलाओं के प्रति, हमें समानुभूति चाहिए, जैसे आप अपने परिवार में अपनी माँ को माँ समझते हैं, बहन को बहन, भाभी को भाभी। इस तरह जब तक समाज में मानसिकता लोगों की नहीं बनेगी, महिलाओं का ऐसे ही अनादर होता रहेगा। देखिए, आप लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते कि नहीं आप पुरुष हैं तो आपको उच्च शिक्षा पाने का अधिकार है, महिलाएं हैं उन्हें उच्च शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है। इस तरह की कुरीतियां जन्म कैसे लेती हैं, क्योंकि कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो गंदी मानसिकता के, जो लोग ऐसे ही हवाला देते रहते हैं। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता, अब हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक जो पिछले 1500 साल से कुप्रथा थी, तलाक 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 हो गया उसके बाद हवाला हलाला करो, तो ये जो गंदगियाँ हैं, याद रखिएगा आपका बेटा भले उतना एजुकेटेड ना हो, ना पढ़ा पाए, पर बच्चियों को ज़रूर पढ़ाइएगा, क्योंकि अगर आपकी बच्चियाँ एजुकेटेड हो गई ना तो कोई माई का लाल नहीं है कि उन पे उनके ऊपर कोई इस तरह का जुर्म ढा सके। इसीलिए मैं कहता हूँ महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आपकी बहन, आपकी बेटी किसी दूसरे के परिवार में जाएगी, अगर वो शिक्षित होगी तो वो गलत कार्यों का विरोध करेगी, कोई परिवार का कोई भी शख्स उसके ऊपर अपनी मानसिकता नहीं लाद पाएगा। तो इस तरह लड़कियों को, बच्चियों को जागरूक करिए,
क्योंकि समाज की जो रचना है ना, जो जिम्मेदारी दी जाती है एक परिवार का, वो लड़कियां ही संभालती हैं और उनसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ये वास्तविकता है और इसमें तमाम तरह की प्रतिलिपियां लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं इससे जुड़ी चीज़ें कि वे किस तरह से महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्ताव हो रहा है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं, जो जिम्मेदार हैं और जो सरकारें हैं उस पर मौन क्यों है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। और हो सके तो कभी भी अगर आपको अवसर मिले लोगों के बीच में बोलने का तो ज़रूर ये सब पक्ष रखें। महिलाओं की जब स्थिति का जब आप किसी को बताएं तो जो उन लोगों के भी बारे में बताएं जो पूर्वाग्रह से पीड़ित हों, ऐसी मानसिकता के लोग हैं ना समाज में। चलते हैं अब नीचे, यहाँ पे देखिए लिखा है, महिला विरोधी हिंसा विशेषकर यौन हिंसा असहनीय हद तक क्रूर रूप में बार बार सामने आ रही है। सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न सरकारें कई कदम उठाने का दावा करती रही हैं पर उनका अपेक्षित असर नजर नहीं आ रहा है। इस स्थिति में यह विमर्श बहुत ज़रूरी है कि क्या कमी रह गई और किस दिशा में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहली ज़रूरत यह है कि समाज के बढ़ते अपराधीकरण को समग्र रूप से कम किया जाए। एक और गिरोहों के रूप में बड़े और छोटे अपराधी बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर प्रतिष्ठा प्राप्त सफेदपोश अपराधियों की तादाद में इजाफा चिंताजनक है। ऐसे लोग विभिन्न क्षेत्रों में बहुत शक्तिशाली हैं। जब तक विभिन्न स्तरों पर अपराधीकरण होता रहेगा और उसे संरक्षण देने की घातक प्रवृत्ति हर स्तर पर बनी रहेगी तब तक यौन हिंसा भी खुले व छिपे रूप में इससे जुड़कर बढ़ती रहेगी। कभी कभी किसी बड़ी घटना के रूप में सामने आएगी लेकिन अधिकतर मामले में छिपी रहेगी। एक वाक्या एक घटना मैं याद दिलाना चाहता हूँ। 16 दिसंबर 2012 को जो हमारे देश में एक घटना ने हमें शर्मसार कर दिया था, पूरे देश को। किस प्रकार से हमारे देश के लोगों ने संसद पर जाकर एक शांतिमय मार्च किया, लोगों से अपील की कि ये जो दरिंदे हैं जिन लोगों ने रेप किया है उस बच्ची के साथ, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और आपको पता होगा कि किस तरह से 20 या 22 तारीख को उसे फांसी 22 तारीख को उसे फांसी भी दे दी गई उन चारों दरिंदों को। तो ये कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं ना, ये कुछ ऐसी प्रवृत्ति के कुछ गंदी मानसिकता के लोग हैं जिनकी वजह से ये समस्याएं आगे आ रही हैं और सरकार भी चाहे तो इसे कम कर सकती है। जिस तरह से सरकारें मदिराओं का सेवन कराने के लिए जगह जगह ठेकाएँ खोल रही है, कोई गांजा पी रहा है, कोई भांग खा रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस इंसान के अंदर नैतिक पक्ष रहता है ना, ये सब खाने के बाद वो पूरी तरह से अनैतिक हो जाता है और अनैतिक कृत्यों में कृत्यों को करने के प्रति वो उत्साहित हो जाता है। देख सकते हैं आगे, वहाँ यौन हिंसा को कम करना कठिन ही नहीं असंभव। अतः समाज के अपराधीकरण को कम करना एक बड़ी ज़रूरत है। महिलाओं के प्रति हिंसा उत्पीड़न को रोकने के लिए दूसरी बड़ी ज़रूरत शराब और अन्य तरह के नशों पर लगाम लगाने की है। में विभिन्न स्तर पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि आश्चर्यजनक हद तक यौन अपराध नशे कारण होते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों के अध्ययनों से यह सच्चाई बार बार सामने आई है। देखिए इसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि यदि इंसान ज़्यादा मादक पेय पदार्थ लेता है, नशा करता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, तो उसके अंदर से इतने सारे अनैतिक गुण आ जाएंगे कि वह भूल जाता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि हम अपने ही देश में हाल के यौन हिंसा के बड़े मामलों पर नज़र डालें तो इनमें शराब की भूमिका स्पष्ट नज़र आती है। शराब के नशे से भले और बुरे के फर्क को समझने में कमी आती है। अक्सर विवेकहीनता हावी हो जाती है जो गलत कार्यों के लिए प्रेरित करती है। बुरा काम करने में स्वाभाविक रूप से जो रोक टोक मनुष्य के दिल दिमाग में रहती है वह रोक नशे के दौरान हटती है। बुरे काम का बाद में क्या असर होगा, उसके शिकार बने व्यक्ति पर क्या असर होगा, ये सब इस तरह की जो सोच जो हो सवास में दिल दिमाग में आती है वह नशे के दौरान खत्म हो जाती है। ऐसा अक्सर देखने में आया कि हत्या बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने से पहले अपराधी शराब पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वास्तविकता है। जितने भी लोग हैं गलत जो उद्देश्य रखते हैं, कहीं चोरी छिनती जो ऐसे कृत्य करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई नशीला पदार्थ खा लेते हैं कि जो भी उनके अंदर की नैतिकता वो मर जाए, जो भी उनके विवेक हों वो पूरी तरह से मिट जाए, सही गलत का फर्क वो ना कर पाए, उसके बाद वो काम करते हैं। ठीक है,
यह स्पष्ट है कि शराब या अन्य नशे से महिला विरोधी हिंसा विशेषकर अधिक क्रूर किस्म की यौन हिंसा बढ़ती है। जहाँ यौन हिंसा का माहौल बनाया जाता है वहाँ प्रायः शराब और अन्य नशे का सेवन होता है। हालांकि इस तरह के अनेक अध्ययन दुनिया में उपलब्ध हैं, पर हमारे देश में जब यौन हिंसा पर बहस होती तो प्राय इस संबंध की अवहेलना होती है। दूसरी ओर अधिकांश सरकारें शराब का तेज प्रसार करने में जुटी है। जिन गाँवों में पहले शराब उपलब्ध नहीं था वहाँ ठेके खोल रही हैं। तो एक तरह से सरकार भी उन कार्यों में करने में लग रहा प्रोत्साहन दे रही है। क्या ज़रूरत है? पहले गांव में जानते हैं ये जो एक यौन हिंसाएं चीज होती थी महिलाओं के ऊपर, जो इसमें नहीं हो रहा है कि विवाद हो रहा है घरों में, लोग मार रहे हैं अपनी औरतों को, ये चीज़ें कम थी। पर जब से ये ठेकाएँ खुलने लगे गांव-गांव में ना, तब से मुश्किलें बढ़ गई हैं कि इन गाँव में महिला विरोधी हिंसा बढ़ गई है। शराब सरकारों के लिए राजस्व का बड़ा जरिया है। तीसरी बड़ी जरूरत यह है कि पोर्नोग्राफी यानी अश्लीलता के प्रसार को कम किया जाए। इस विषय पर भी अनेक अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, अभी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी उसके कुछ महीने बाद उन्होंने तकरीबन 800 से लेके 1000 साइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि मतलब नेट आज क्या है, पूरी दुनिया आप कहीं भी हैं क्या करें, आपके हाथ में अगर मोबाइल दे दिया जाए आप कुछ भी देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या जो छोटे उम्र के बच्चे हैं या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप पोर्नोग्राफी मूवीज़ देखते हैं तो जो आपकी मानसिकता है उसी की तरफ जाएगी और आपके अंदर से जो एक होता है ना, जो रिलेशनशिप की जो भावनाएँ हैं वो मरने लगती हैं, क्योंकि उसमें ऐसे ही प्रचारित किया जाता है। तो उस वजह से भी महिलाओं में जो हिंसाएं हो रही हैं उस पर इजाफा है। उसके बाद है चौथी ज़रूरी बात, ये है समाज में लैंगिक संवेदनशीलता और नैतिकता बढ़ने के प्रयास हो और ये प्रयास समाज में व्यापक संवेदनशीलता और नैतिकता का एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। यदि लैंगिक संवेदनशीलता और नैतिकता के प्रयास अलगाव में किए जाएंगे तो इनका सीमित असर ही हो सकेगा, पर यदि सार्थक सामाजिक बदलाव की व्यापक समझ के अंतर्गत इनका प्रसार होगा तो इनका अधिक मजबूत और दूरगामी असर होगा। इस समय यह प्रयास बहुत कम है। इसके अतिरिक्त लैंगिक संवेदनशीलता को नैतिक के प्रयासों को स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के अनुरूप बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं हो पा रहा कि जो सीमित प्रयास हो रहे हैं उन पर पश्चिमी असर अधिक है। महिला हिंसा रोकने के लिए अधिक व्यापक जरूरत तेज सामाजिक बदलाव की स्थिति को समझाने और संभालने पर ध्यान देने की है। इस पर अधिक नियोजित ढंग से कार्य होना चाहिए। हाल ही के वर्षों में हमारे देश और समाज में आश्चर्यजनक स्तर पर तेजी से अनेक बदलाव आए, पर इन बदलावों को समझने के प्रयास बहुत कम है। देश और समाज का अधिक ध्यान राजनीतिक और आर्थिक बदलावों पर केंद्रित रहता है। इसकी तुलना में सामाजिक बदलाव से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब पांचवा के देख लेते हैं। यदि इन पांच स्तरों पर निष्ठा और सूझबूझ से कार्य किया जाए तो महिला हिंसा यौन हिंसा में निश्चय बहुत कमी आएगी। तो दोस्तों जो इस लेख का जो उद्देश्य था, इस लेख का उद्देश्य ये था कि हमारे देश की सरकारों और समाज को अवगत कराने का समय आ गया है कि जो महिलाओं के प्रति जो समस्याएँ खड़ी हो रही हैं, चाहे घरेलू हिंसा हो चाहे यौन हिंसा हो, किसी प्रकार का महिला विरोधी अगर हिंसा हो रहा है तो उसके कारणों को पहले जाने कि ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, किन किन लोगों की इनमें भूमिका है और कैसे है, तो उस चीज़ को कैसे कम किया जाए, तो उस चीज़ में बात करने की आवश्यकता है। अन्यथा ऐसे ही हम दुनिया में बदनाम होते रहेंगे। हमारे देश में याद रखिएगा जब महिलाओं की स्थिति के बारे में यहाँ इंडेक्स प्रकाशित होता तो बहुत बुरी स्थिति होती है कि एक प्रकार से हम लोग दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में यहाँ महिलाओं को दिए हैं। वो अलग बात है कि दोस्तों पश्चिम वो अरब के लोगों से हमारे यहाँ की महिलाओं की जो स्थिति है बेटर है, बेहतर है, पर हमें उनसे न कंपेयर करके हमें अपने होता है ना कि पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर स्त्रियाँ चलें, हमें वो समाज बनाना है कि हमारा, आपको बता दें जो वास्तविकता है आज भी हमारे देश में किस तरह से होता है ना, एक लिंग परीक्षण चलता है कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं उसके दौरान वो जो है कि लिंग की जांच करा लेती हैं, लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो हटा देती हैं। तो ये जो समस्याएं एक महिला होके महिला विरोधी कार्य अगर कर रही हैं तो वो भी गलत है। ऐसी मानसिकता के लोग
यदि कोई दबाव बनाता है तो उससे आप लड़ जाइए, आप उसे बताइए कि आप नेचर के कुदरत के खिलाफ बातें कैसे कर सकते हैं, मैं भी तो एक लड़की हूँ, इसके लिए मैं अपनी बेटी को अपने बच्चों की बेटी की तरह पालूंगी, सब शिक्षाएं दूंगी, सब कुछ दूंगी, पर इस तरह का कृत्य करने के लिए मजबूर मत करिए। एक तरह से आप मुझे उस पाप में शामिल कर रहे हैं जिस पाप को करने के लिए ईश्वर भी डरता है। जिसने दुनिया तक नहीं दिया, दुनिया तक नहीं देखा, उसे मेरे ही कंसल्ट से, मेरे ही विचार से आप कैसे मरवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। कृपया अपना ज़रूर, जो भी बातें आपको अच्छी लगी, कुछ भी हो, आप अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके अपना विचार दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।